नमस्कार दोस्तों, 19 नवंबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज है। सबसे पहले गुरु नानक जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2021 गुरु नानक जयंती, हर साल गुरु नानक देव जी की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर हम इस दिन को मनाते हैं। गुरु नानक देव जी के बारे में आप सबको पता है, सिखिज्म धर्म के ये फाउंडर हैं, और ओवरऑल इस दिन को बहुत सारे अलग अलग जगहों पे प्रकाश उत्सव या गुरुपूरब भी कहा जाता है। सिख कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए ये जो दिन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आज ही के दिन फार्म लॉज विड्रॉ किए जा रहे हैं, रिपील किए जा रहे हैं, इस बात का भी अनाउंसमेंट आया है सरकार की तरफ से। उसके बारे में मैंने सुबह एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है। आज की डेट में जो गुरु नानक देव जी था, इनका जन्म हुआ था राय भोई की तलवंडी, जो कि नानक साहिब के पास है लाहौर पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली अब ये इंडिया में नहीं है जगह, तो ऑब्वियस सी बात है इस जगह की जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है वो उस लेवल पे हम नहीं फील कर पाते हैं। अगर मोस्ट प्रॉब्ली ये जगह इंडिया के अंदर होती तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में सिख्स वहाँ पे जाते, हिंदू धर्म बाकी धर्म के लोग भी जाते हैं वहाँ पे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वो पॉसिबल नहीं है। जो भी पाकिस्तान के सिख्स हैं बहुत कम क्वांटिटी में वही जाते होंगे वहाँ पे। तो ये 552nd बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस हैं, और अगर आप देखो तो ट्रेडिशनल ब्रिकर्मी कैलेंडर के हिसाब से पूर्णिमा पूर्णमासी के दिन पैदा हुए थे गुरुजी। और गुरु नानक जयंती से एक दिन पहले एक प्रोसेशन निकाला जाता है नगर कीर्तन, ठीक है ना। इसको पंज प्रयास 5 beloved ones लीड करते हैं। यहाँ पे निशान साहिब होता है जो कि सिख फ्लैग है, और पालखी होती है जिसमें जो सैक्रेड जो प्योर जो किताब है सिख धर्म की गुरु ग्रंथ साहिब ये रखी होती है। तो काफी इंपॉर्टेंस है गुरु नानक जयंती का, खासकर जो नॉर्दर्न सिख होमलैंड है वहां पे तो इस फेस्टिवल को बहुत ज्यादा आप कह सकते हो प्यार से मनाया जाता है। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज है वो है हैदरपुरा इनकाउंटर जेएनके लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डर्स मैजिस्ट्रियल प्रोब। एक्चुअली में अभी हुआ यह है कि जम्मू एंड कश्मीर में हो गया है एक इनकाउंटर, और इस इनकाउंटर में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। हुआ कहाँ है तो हैदरपुरा नाम की जगह पे हुआ है, श्रीनगर में। 4 लोगों की यहाँ पे जान गई है। अब जो लोग मरे हैं उनके फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं कि ये लोग इनोसेंट थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस बोल रही है कि एक मिलिटेंट मरा है, एक मिलिटेंट का एसोसिएट मरा है, और 2 और सिविलियंस मरे हैं, और इन 2 सिविलियंस को भी जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने टेरर एसोसिएट्स बताया है। अब जो लोग यहाँ पे मरे हैं, ठीक है ना, इनफैक्ट 4 लोग जो मरे हैं उसमें से 3 के जो घर वाले हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और धरना प्रदर्शन यहाँ पे काफी तेज हो गया। आप देखोगे कि जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये लोग भी इन फैमिली मेंबर्स के साथ आ गए और जस्टिस की यहाँ पे डिमांड करने लगे। तो जब ओवरऑल इस हैदरपुरा इनकाउंटर के अगेंस्ट अपोजिशन आया लोगों का, तो जो जम्मू एंड कश्मीर के आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा साहब, इन्होंने एक मैजिस्ट्रियल प्रोब ऑर्डर किए, और इस मैजिस्ट्रियल प्रोब को लीड करेंगे एक एडीएम रैंक के ऑफिसर, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रैंक के ऑफिसर। अभी के लिए वो ऑफिसर हैं खुर्शीद अहमद शाह। तो खुर्शीद अहमद शाह को यहाँ पे इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया, और ये इंक्वायरी ऑफिसर ओवरऑल इस हैदरपुरा इनकाउंटर के अंदर इंक्वायरी करेगा। जो 3 लोग मरे हैं जिनके फैमिली मेंबर्स यहाँ पे इनको इनोसेंट बता के ओवरऑल एजिटेशन कर रहे हैं, वो है मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, मुदासिर गुल और आमिर मागरे। इसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर ही बताया जा रहा है, पुलिस वालों ने बोला है कि ये मिलिटेंट एसोसिएट्स थे। तो अब ये हो रहा है यहाँ पे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पे एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, ओवरऑल जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। लेट्स सी कि इस इंक्वायरी में क्या निकल के आता है। जीएस पेपर 2 एग्जीक्यूटिव डिसीजंस एंड जीएस पेपर 3 लिंकेज टू टेररिज्म में ये न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। लाइक बटन दबाने में कुछ भी नहीं जाएगा, तो प्लीज क्लिक द लाइन बटन इफ पॉसिबल। ज्वाइन बटन दबा के अगर हेल्प कर सकते हैं जरूर हेल्प करें दोस्तों, आपके ज्वाइन बटन दबाने से काफी मदद मिलती है, सो प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं रिकॉलिंग द हीरोज ऑफ रेजांगला। रेजांगला का पहले आप नक्शा देख लीजिए, ये ओवरऑल पूरा का पूरा जो इलाका है ना, ये है आपका अक्साई चिन, ओके। और इसी अक्साई चिन में अगर आप नीचे की तरफ, जब अक्साई चिन खत्म हो जाएगा तो यहां पे आपको नजर आएगा रेजांगला, ओके, ये रेजांगला है। और बैटल ऑफ रेजांगला हुआ था, और इस रेजांगला के पीछे 2 जगहें आती हैं, एक तो स्पांगलूर लेक आती है और एक चुशुल सेक्टर आता है, ये ऑलमोस्ट इंडिया के कंट्रोल में है। अब ओवरऑल इस रेजांगला में एक जंग हुई थी,
ओके, 18 नवंबर 1962 में जंग हुई थी। यहां पे 120 अहीर सोल्जर्स डिप्लॉयड थे। ओके, 13 कुमाऊ रेजिमेंट के ये अहीर सोल्जर्स थे, लगभग 124 अहीर सोल्जर्स थे। ओवरऑल इस जगह की जो लोकेशन थी ना, वो कुछ इस प्रकार की थी कि इंडियन साइड से बहुत ज्यादा आर्टिलरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब आप सोचिए कि आर्टिलरी का क्या यूजेज होता है। मान लीजिए इधर आर्मी खड़ी है, इधर आर्मी खड़ी है, ये दोनों आर्मी एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही है। इन आर्मी के अटैक के लिए पीछे से आर्टिलरी की फायर का सपोर्ट होता है। कारगिल वॉर वाली जो मूवी आई थी अभी आपकी, कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर, उसमें आपने देखा होगा कि जब हमारे सोल्जर्स ऊपर चढ़ाई कर रहे थे तो पीछे से आर्टिलरी फायर हो रहा था। आर्टिलरी फायर एक कवर अप फायर होता है कि पीछे से गोले बारूद और बंदूकें चल रही हैं और उस बंदूकों के चलते जो अपोजिशन की आर्मी है वो आपके ऊपर फायर नहीं कर पा रही है, तो आपके सोल्जर्स बिना फायर के आगे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे जो अहीर रेजिमेंट थी, इसके सामने प्रॉब्लम ये थी कि इसके पास पीछे से आर्टिलरी का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि टेरेन कुछ ऐसी थी कि आर्टिलरी फॉरवर्ड इलाकों में डिप्लॉयड थी नहीं थी, तो उसके चलते ये जो अहीर सोल्जर्स थे इनके ऊपर सामने से गोलियां चल रही थी और उसके बावजूद भी इनको आगे बढ़ना पड़ रहा था। अब देखो 114 इंडियन सोल्जर्स यहाँ पे शहीद हो गए थे। इस पूरी की पूरी पलटन को लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। पोस्थमसली इनकी मृत्यु के बाद इनको परमवीर चक्र भी दिया गया। ऐसा बताया जाता है कि इस बैटल में 1300 चाइनीज सोल्जर्स की भी मृत्यु हुई थी। तो रेजांग ला की इस जंग को याद करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंचे हुए और वहां पे एक रिवैम्प्ड वार मेमोरियल भी बनाया जाएगा। ये जो 16,000 फुट की जगह है ना रिजांगला की, इसके आसपास है चुशुल सेक्टर और स्पांगनूर लेक। इनफैक्ट चुशुल सेक्टर और स्पांगनूर लेक को ऊंचे ऊंचे पहाड़ घेर के रखते हैं और उसके बीच में पड़ता है रिजांगला पास। अब रिजांगला पास के आसपास का इलाका अगर ये पूरी तरीके से चाइनीज के कंट्रोल में आ जाता है तो ओवरऑल चाइनीज फिर लेह तक पहुंच जाएंगे। लेह तक उनको कोई प्रॉपर अपोजिशन मिल नहीं पाएगा, इसलिए इस जगह पे जो हमारी आर्मी डिप्लॉयड है उसको स्पेसिफिकली रिजांगला की याद दिलाई जाती है। और ओवरऑल सरकार हमेशा इनको बैक एंड से सपोर्ट, जो उस समय पे 1962 में नहीं था। आप समझिए ये जो आसपास का इलाका है ना यहाँ का, अगर ये कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो चाइनीज को लेह पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो दैट इज वाई दिस एरिया इज वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो ये न्यूज थी जीएस पेपर 3 डिफेंस और सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर, ये अलग है, और एक होता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर, ये अलग है। ये दोनों ही इंडेक्स 14 पॉइंट से बढ़े हैं अक्टूबर 2021 में। तो एग्रीकल्चरल लेबर वाला इंडेक्स 1081 पे पहुंच गया है और रूरल लेबर वाला इंडेक्स 1090 पे पहुंच गया है। और ये जो 14 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट आया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर के लिए, इसमें से 12.02 और 11.7 फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबर्स रिस्पेक्टिवली, तो आया है फूड ग्रुप में जो चीजें हैं उनके दाम बढ़ने की वजह से। तो वेजिटेबल्स के दाम बढ़े, फ्रूट्स के, व्हीट आटा के, पल्सेस, ओनियन, मीट, गोट, फिश, आपका मस्टर्ड ऑयल, शुगर, गुड़, चिलीज, ग्रीन, इन सब चीजों के दाम बढ़ने के चलते ही मेजर यहाँ पे ओवरऑल ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर का और रूरल लेबर का बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे स्टेट वाइज पॉइंट भी दे रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मणिपुर स्टेट में एग्रीकल्चर लेबर का जो इंडेक्स है 5 पॉइंट नीचे गिरा है। कर्नाटका में ये 1254 पे है सबसे ऊपर, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है 870। तो कुल मिला के रूरल लेबर्स के लिए, एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए समय समय पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नंबर निकलते रहते हैं कि इस कैटेगरी के लोगों के लिए ऑल ओवर इंडिया कितनी महंगाई बढ़ रही है और स्टेट वाइज कितनी महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में ये जानकारी बताते हैं। ओके, ज़्यादा आपको इसमें डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसको रिलीज कौन करता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स को रिलीज करता है लेबर ब्यूरो, और ओवरऑल इसके ऊपर पहले सवाल भी आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में। फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर भी रिलीज किया जाता है लेबर ब्यूरो के साथ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर भी रिलीज किया जाता है लेबर ब्यूरो के साथ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज रिलीज किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, जो कि अब बताया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर काम करता है। और रही बात सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, तो उसके बारे में पहले आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ।
सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में अलग अलग बास्केट्स होते हैं। आप एक बास्केट लीजिए, उस बास्केट के अंदर आपका फूड का दाम, ट्रांसपोर्ट का दाम, कपड़ों का दाम, हर चीज का दाम डाल दीजिए और सबको अलग अलग वेटेज दे दीजिए। तो अलग अलग वेटेज के हिसाब से एक बास्केट सीपीआई की तैयार की जाती है और एक बास्केट डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स की तैयार की जाती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ओवरऑल रिटेल लेवल पे जो लोग खरीदते हैं जाके चीजें, उनके दामों में कितना उतार चढ़ाव हो रहा है, ये मेजर किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। और जो लोग चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी वाले, ये लोग जब चीजों को प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोड्यूसर के लेवल पे चीजों के दाम कितने ऊपर नीचे जा रहे हैं ये डिसाइड किया जाता है डब्ल्यूपीआई पे, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स पे। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में ये न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सरकार ने लोगों को प्रॉमिस किया है कि ये 2025 तक यमुना नदी को क्लीन कर देंगे। यमुना नदी कितनी गंदी है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, दिल्ली के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। अब अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पे 6 पॉइंट एक्शन प्लान अनाउंस किया, जिसके चलते उन्होंने बोला है कि अगले असेंबली इलेक्शन से पहले वो यमुना नदी में एक डिप लेंगे, मतलब इस हद तक उसको साफ कर देंगे कि लोग उसमें नहा सकें। ये प्रॉमिस आम आदमी पार्टी ने 2020 में किया था, 2025 से पहले इस प्रॉमिस को कंप्लीट करना है। अभी के लिए केजरीवाल जी ने डेडलाइन बनाई है फरवरी 2025। ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, अगर 75-80% काम भी कंप्लीट कर दिया जाता है तो मैं बोलूंगा एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो केजरीवाल जी ने यहाँ पे बोला है कि टाइमलाइन सेटअप की गई है प्रोजेक्ट की और इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को हर 15-30 दिन में रिव्यू भी किया जा रहा है। क्या क्या किया जा रहा है तो इस एक्शन प्लान में, नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, एग्जिस्टिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी को बढ़ाना, ओवरऑल नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पॉल्यूटेंट्स के फ्लो को यमुना में कंट्रोल करना, नया पॉल्यूटेंट यमुना नदी के पास अंदर ना पहुंचे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट से इस बात को इंश्योर करना, फिर नजफगढ़, बारापुल्ला, गाजीपुर ड्रेन्स, यहाँ की साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है, और इन सीटू ट्रीटमेंट मतलब कि जैसे ड्रेन है, ड्रेन के अंदर गंदगी है तो उस ड्रेन के अंदर ही कुछ केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू उस गंदगी को एलिमिनेट कर देना, इसको इन सीटू ट्रीटमेंट बोलते हैं। एक्स सीटो मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स सीटो कंजर्वेशन क्या होता है कि आपने जंगल से एक शेर को उठा के जू में बंद कर दिया, तो ये एक्स सीटू कंजर्वेशन है। लेकिन अगर आप जंगल के अंदर ही ओवरऑल उस शेर को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो वो इन सीटू कंजर्वेशन है। तो मतलब अगर आप ऑन साइट जहां पे जो चीज नेचुरली एग्जिस्ट करते हो वहां पे अगर आप सॉल्यूशन निकालते हो तो इन सीटू, और वहां से अलग हटा के सॉल्यूशन निकालते हो तो एक्स सीटू, ठीक है। फिर भाई चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला कि जितना भी इंडस्ट्रियल वेट्स है इसको डाइवर्ट किया जाएगा कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स पे, ओवरऑल उन इंडस्ट्रीज के ऊपर क्रैकडाउन होगा जो कि ट्रीटमेंट प्लांट्स तक अपना वेस्ट नहीं भेज रहे हैं। फिर जो अलग अलग क्लस्टर्स हैं उनको बड़े बड़े सीवर नेटवर्क्स के थ्रू जोड़ा जाएगा, सीवर नेटवर्क मतलब जो गंदगी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। इन सीवर नेटवर्क्स पे कभी कभी क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है, उस ब्लॉकेज को साफ करना, ठीक है, और समय समय पर रिव्यू करते रहना कि कहाँ पर कितना परसेंट ब्लॉकेज है। ओवरऑल हर घर को, हर हाउस होल्ड को इन सीवर नेटवर्क्स के साथ जोड़ना, ये सब यहाँ पे प्लान सेटअप किए गए जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट कंजर्वेशन में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, व्हाट इज क्लीन ओशन मैनिफेस्टो। तो देखिए, क्लीन ओशन इंटरनेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन यूएन डिकेड फॉर ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए यूएन डिकेड फॉर ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके अंदर आता है क्लीन ओशन इंटरनेशनल एक्सपर्ट ग्रुप। अब ओवरऑल ये ग्रुप 19 नवंबर 2021 को मीट कर रहा है और अपने क्लीन ओशन मैनिफेस्टो के अंदर जो भी इन्होंने एक्टिविटीज और गोल्स बनाए हैं ओशन की साफ सफाई के लिए, इसको वो अनाउंस करेगा। तो कुल मिला के जो क्लीन ओशन मैनिफेस्टो है ये एक पब्लिकली इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड प्लेटफॉर्म है जो कि दुनिया भर के ओशंस में जो भी मरीन गंदगी है उस गंदगी को साफ करने के लिए एक्शन लेने की बात करता है। इस पर्टिकुलर क्लीन ओशन मैनिफेस्टो को बहुत सारे पब्लिक ओपिनियन लीडर्स के साथ मिलकर बनाया गया, मतलब क्लीन ओशन मैनिफेस्टो के लिए दुनिया भर के लीडर्स, एनजीओ, साइंटिस्ट सबको मिला के इस प्लान को यहाँ पे तैयार किया गया। और 2016 में तो एक मीटिंग के थ्रू ये प्लान भी किया गया था कि कैसे हम लोग अपने ओशंस की इफेक्टिव तरीके से सफाई करेंगे। ओके, टारगेट क्या है यहाँ पे? पहला टारगेट तो ये है कि 50-90% तक मेरीन के अंदर जो गंदगी आती है, मेरीन डेब्री है, इसको हम साफ करेंगे। दूसरा,
ग्लोबल सर्कलिंग एंड हाईटेक सिस्टम ऑफ माइनेटर्स, दुनिया भर में के ओशंस में गंदगी कैसे सर्कुलेट कर रही है, उस गंदगी को हम कैसे मॉनिटर करें, इन सब चीज़ों को देखना, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अभी के लिए दो एम बनाए गए, एक तो 2025 के लिए गोल बनाए गए, 2030 के लिए गोल बनाए गए। 2025 तक गोल्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी, फिर हम लोग 2030 के गोल्स पर ध्यान देंगे। 2030 के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो भाई किस प्रकार से गंदगी ओशंस के अंदर जाती है, उन पाथवेज को आइडेंटिफाई करना और उन पाथवेज को सॉर्ट आउट करना। फिर जो सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन है, जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कॉज करते हैं, मैरीन लिटर और डेब्री के लोड को बढ़ाते हैं ओशंस के अंदर, उनको 90% तक रिड्यूस करना, रिमूव करना और प्रिवेंट रिकरेंस, रिड्यूस सोर्सेज एंड एमिशंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स। मतलब पॉल्यूटेंट का जो भी सोर्स है उस सोर्स को प्रिवेंट करना, उसको हटा देना। इसकी 3 डे की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, और ओवरऑल इसमें 30 एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया गया है, कौन कौन सी एक्टिविटीज के थ्रू ओशन में गंदगी होती है, कैसे उसको हटाना है 2030 तक। इसमें 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो अगर आपको मरीन डेब्री को आइडेंटिफाई करना है तो स्पेस के थ्रू आप आइडेंटिफाई करो, सक्सेसफुली एंड कंसिस्टेंटली मॉनिटरिंग मरीन डेब्री फ्रॉम स्पेस, पहली चीज। दूसरा, अटलांटिक के अंदर जो डीप सी ऑब्जर्वेटरीज हैं उनको ऑपरेट करके आप पता करते रहो कि ओशन में कितना पॉल्यूशन फैल रहा है। तीसरा, ये जो सदर्न ओशन है एंटार्क्टिका के पास, वहां पे प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू समय समय पे पता चलते रहो कि कितना पॉल्यूशन फैल रहा है। वहां पे पॉल्यूशन फैलेगा तो ओशन वार्मिंग होगी, ओशन वार्मिंग होगी तो बर्फ पिघल जाएगी, बर्फ पिघल जाएगी तो बहुत सारे छोटे छोटे ओशनिक स्टेट्स डूब जाएंगे, तो इन सब चीजों को भी देखना पड़ेगा। जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन में न्यूज काम आएगी। अगली न्यूज है, इंडिया गेट्स री इलेक्टेड टू यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो ये जो यूनेस्को का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, इसकी 2021 से लेकर 2025 तक की मेंबरशिप इंडिया को फिर से मिल चुकी है। 164 वोट्स के साथ इंडिया यहाँ पे रीइलेक्ट हो गया है, और ओवरऑल इंडिया रीइलेक्ट हुआ है ग्रुप 4 में, और ग्रुप 4 में जापान, वियतनाम, फिलीपींस, कुक आइलैंड्स और चाइना, ये भी यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं। अगर आप यूनेस्को की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बात करो तो यूनेस्को को जो जनरल कॉन्फ्रेंस है ना, तो उसके अंदर काम करता है यूनेस्को का एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है ना। ओवरऑल अथॉरिटी जनरल कॉन्फ्रेंस के पास है, जनरल कॉन्फ्रेंस जो भी पॉलिसी बनाएगा उसको एग्जीक्यूटिव बोर्ड डे टू डे बेसिस पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। फिर क्या बजट होगा यूनेस्को का, उसको भी डायरेक्टर जनरल यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के थ्रू पुटअप करेगा। इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 58 मेंबर स्टेट्स होते हैं और हर मेंबर स्टेट का 4 साल का टेन्योर होता है। मतलब इंडिया अगर अभी इलेक्ट हुआ तो 4 साल तक इंडिया इसका मेंबर रहेगा। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस की। काम क्या है, वर्ल्ड पीस को सिक्योर करना, सिक्योरिटी को, इंटरनेशनल कॉपरेशन करना, एजुकेशन, साइंस, आर्ट्स, कल्चर में। 193 मेंबर स्टेट्स हैं यूनेस्को के, 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं, बाकी इंटर गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल, प्राइवेट सेक्टर, बहुत सारे अलग अलग मेंबर्स होते हैं यूनेस्को के। याद रखना यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पेरिस में है, 53 रीजनल ऑफिसेस पेरिस फ्रांस में, पता ही है आपको। 199 नेशनल कमीशंस भी हैं आपके यूनेस्को के। यूनेस्को को बनाया गया था 1945 में। एक्चुअली में पहले लीग ऑफ नेशंस की जो पैरेलल बॉडी थी वो थी इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन, और उसकी जगह आ गया आपका यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस के अंदर। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये न्यूज़ काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, चाइना और एशियान की एक मीटिंग होने वाली है। कब होने वाली है ये मीटिंग, तो ये मीटिंग होने वाली है आपकी 22 नवंबर को। अब इस मीटिंग को खुद प्रेसिडेंट जी जिनपिंग एड्रेस करेंगे। अब इस मीटिंग में चाइना चाहता है कि जो म्यांमार का मिलिट्री रूलर है वो अटेंड करे, वो आए यहाँ पे, लेकिन एशियान के बाकी मेंबर्स नहीं चाहते हैं कि म्यांमार आए। मैं आपको बता दूं कि एशियान का मेंबर है म्यांमार, लेकिन म्यांमार में 1 फरवरी को एक कूप हो गया था, तख्ता पलट हो गया था, जिससे म्यांमार की मिलिट्री ताकत में आ गई और उसके बाद म्यांमार के लोगों के अगेंस्ट बहुत सारे अत्याचार हुए। तो चाइना ऑब्वियस सी बात है म्यांमार को सपोर्ट करता है, तो चाइना चाहता है कि जो म्यांमार का मिलिट्री शासक है जनरल मिन ऑंग हलांग, ये इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करें। एशियान के मेंबर्स इंडोनेशिया, ब्रूनई, मलेशिया, सिंगापुर ने साफ साफ बोल दिया है कि हम फेवर में नहीं है कि ये जो नवंबर 22 वाली चाइना एशियान मीटिंग है उसमें जनरल मिन हलांग आए। इनफैक्ट मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रूनई, इन्होंने भी बोल दिया है कि भैया एशियन समिट में भी हमने इसको नहीं बुलाया था और हम नहीं चाहते कि ये म्यांमार का मिलिट्री लीडर यहाँ पे आए। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात की जाए,
8 अगस्त 1967 में इसको बनाया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू, बैंकॉक थाईलैंड में। फाउंडिंग फादर्स थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ब्रुनेई दारुसलाम ने ज्वाइन किया 7 जनवरी 1984 को, वियतनाम ने 28 जुलाई 1995 को, लाओ पीडीआर एंड म्यांमार ने 23 जुलाई 1997 को, कंबोडिया ने 30 अप्रैल 1999 को। ये 10 स्टेट्स हैं एशियान के। म्यांमार को यहाँ पे ऑलमोस्ट निकाले जाने की ही बात की जा रही है इस ओवरऑल मिलिट्री तख्ता पलट की वजह से। इंडिया ऑब्वियसली बात है एशियान के साथ अपने रिश्तों को मेंटेन करता है। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर एशियान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओवरऑल इंडिया और एशियान पिछले 25 सालों से डायलॉग पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हैं, 15 सालों से समिट लेवल पर इंटरेक्शन कर रहे हैं, 5 सालों से इंडिया एशियान की रिलेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रोल ले चुकी है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस बायलेटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स में आपको न्यूज काम आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आज की डेट में बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देखे जाइएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए।